खाड़ी में गड़ा गुड़ी में काम करो, इतना सैलरी आएगा तो कैसे कैसे काम चलेगा भाई लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल इंडिया से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समय सैलरी का दाम जो है, सैलरी इतना कम ही आ रहा है यार, कोई काम कैसे करेगा यहाँ बताओ। और ये दिक्कत है कि भाई जो मलेशिया में आना चाहता है मत ही आए, बल्कि दूसरे देश चला जाए, सऊदीया चल जाए, दुबई दुबई चल जाए, सिंगापुर चल जाए, किसी और कंट्री चला जाए, भाई यहाँ मत ही आना। मैं इसलिए वीडियो बनाया हूँ कि हमको 8 महीना हो गया, 8 महीने में अभी तक हमारा सैलरी 1,000 1,200 1,300 आ रहा है। और काम काम सबसे फर्स्ट काम करता हूँ, काम का मतलब फर्स्ट बगान, बड़ी बगान, उसी में कटिंग करता हूँ। और बंदे हैं तो उन लोगों का जो पुराने बंदे हैं, किसी को 5 साल हुआ, किसी को 8 साल हो गया, उन लोगों का तो 2,500 2,700 2,800 आता है, पर जो नए हैं उन लोगों का कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। और फल कटिंग का काम करता हूँ, और फल कटिंग का काम चेंज भी कर लिया हूँ, स्प्रे का काम मिल गया है हमको, मगर जो फल कटिंग में काम करता था तो उसका 1,000 सैलरी आया है हमारे पास। पहली तारीख का स्लिप या प्रिंट आता है, या स्लिप बोलो आता है, उसको भी दिखाऊंगा। मगर यही बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ मत आओ, मैं भी इंडिया से हूँ भाई, इंडिया वाले जो भी भाई है मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो, यहाँ आने का सपना मत देखना भाई, ये दिक्कत है। अब बताओ यहाँ से 1,000 मिला, 1,000 में 500 खुराकी है, 500 500 में बिजली का दो, पानी का दो, देना तो पड़ेगा। और फिर खाओ, और इतना सामान महंगा है कि क्या कोई लेगा। मर्चा 14 रुपया केजी, तो 14 रुपया का मतलब इंडिया में वही 14 रुपया का डबल होगा, तो यहाँ जाएगा तो कम से कम 200 रुपये किलो मर्चा है। मतलब महंगाई इतना ज़्यादा यहाँ है भाई लोग, कोई पैसा बचा नहीं पाएगा, पैसा बचा नहीं पाएगा तो काम क्या होगा। तो मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जो सैलरी हमारी आई है उसको अभी दिखाऊंगा, स्क्रीन वीडियो स्क्रीन के माध्यम से उसको देखना, तब मालूम चल जाएगा। और सैलरी बहुत कम आ रही है भाई लोग, मत आना। हम तो बताऊंगा कि यहाँ मत आना, मलेशिया मत आना, बाकी किसी दूसरे दूसरे कंट्री जाना सही रहेगा, सिंगापुर जाओ, दुबई जाओ, कहाँ कहीं जाओ, मतलब मलेशिया मत आना भाई लोग, इतना कंजास में काम करना पड़ता है यार। अब उतना मेहनत करने के बाद 1,000 सैलरी आएगा तो क्या कोई करेगा काम। कुछ लोग तो चले गए, भाग गए यहाँ से, दूसरे जिसका संपर्क है, व्यवहार है, भाई भतीजा जो भी रिश्तेदार, वो लोग बुला ले रहे हैं भाई हमारे पास आओ सैलरी मिले, ये ज़्यादा वहाँ लोग चले जा रहे हैं, और भी लोग जाने वाले हैं और चल जाएंगे। ठीक है चलो मैं अपना सैलरी दिखा देता हूँ। ठीक है मैं आ गया मोबाइल के होम स्क्रीन पे, तो मेरा ये है 1 GB का, और मैं सैलरी का टोटल इनकम दिखाऊंगा। पहले तारीख दिखा दूं भाई लोग, तारीख कहाँ गया जाओ देखो, तारीख है 3 तारीख चौथा महीना 2023। ठीक है, और पहली तारीख को स्लिप आ जाता है, प्रिंट इसका मोबाइल पे आता है, सभी का आता है। और ये है, ये भी है 3 तारीख, मतलब तीसरा महीना, पहली तारीख तीसरा महीना 2023 का इसका स्लिप आया है। ठीक है, और सैलरी जो है इधर है, टोटल इनकम टोटल इनकम भाई यही है सैलरी का, बहुत दिक्कत है यार, क्या कोई चलेगा। दिखा दे रहा हूँ ये सैलरी का,
1104 रुपया, ठीक है। और कटता है इसमें से पानी का, बिजली का, तो ये हुआ 1,88 रुपया 58 पैसा। जिस भाई को मेरे से आना है मत आए, किसी दूसरे देश जाकर काम कर लेगा तो सही रहेगा, यहाँ नहीं कर पाएगा भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत है सैलरी का। और जो लोग बता रहे हैं कि 1800 सैलरी हो गया है, वो लोग केवल 2 पैसे की लालच में बुला रहे हैं, बुलाकर फंसाएंगे भाई, मत आना, यही दिक्कत है। और दिखा दूँ, भाई टोटल 22 दिन काम हुआ है, 22 दिन में जो जुमा होता है 4, वो काम जुमा का काम नहीं देता है इधर, किसी का 23 दिन का आया है तो 1300 1100 आया है, 1200 आया है, कम से कम। ठीक है भाई लोग, थैंक यू।